भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के प्रधान अरुण प्रभात ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि यूथ विंग द्वारा युवा जोड़ो संकल्प कार्यक्रम का आयोजन 16 फरवरी से आरंभ किया जाएगा, जो कि 45 दिनों तक चलाया जाएगा। पूर्व मंत्री सत शर्मा ने किया जम्मू वेस्ट असेंबली के विशाल नगर का दौरा, प्रदूषित पेयजल की समस्या के समाधान करने के जल शक्ति विभाग को दिए निर्देश। पुंछ के बेदरगाह में भारतीय सेना द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन, यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा नियमों प्रति जागरूक करना था उद्देश्य। इंटरस्टेट बस सेवा को दोबारा बहाल किए जाने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर राज्य दर्जा पुनः बहाली की मांग को लेकर मिशन स्टेटहुड प्रधान सुनील डिंपल ने निकाली प्रदर्शन रैली, 18 फरवरी को करेंगे भूख हड़ताल। चीन के साथ LAC पर हुए समझौते को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि समझौते की वजह से भारत ने कोई जमीन नहीं खोई है। राहुल गांधी ने समझौते के बदले चीन को जमीन का टुकड़ा देने का लगाया था आरोप। इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट पर राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल, रक्षा मंत्रालय ने कहा फिंगर रेड तक पेट्रोलिंग करेगा भारत। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवे ने किया देश को आगाह, कहा हिमालय क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की फिराक में है चाइना, हमारे पड़ोस में भी बढ़ा रहा है अपनी पैट। आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान को मिली बड़ी राहत, सरकार की अपील खारिज, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने का लगाया गया था आरोप। एस श्रीसंत का IPL 2020 खेलने का सपना टूट गया है। श्रीसंत को उम्मीद थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के बाद उन्हें IPL खेलने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अब उनका यह सपना टूट गया है। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 11 की मौत, 36 घायल, PM ने किया मुआवजे का ऐलान।